हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मनु प्रजापत जीएस मस्ती में। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ अध्ययन के बारे में, जैसे कि मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी, आपका कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी। तो इस बारे में जो अध्ययन होते हैं आपके, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का अध्ययन क्या करता है? सोशियोलॉजी आपका जो समाज का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं सोशियोलॉजी, समाज का अध्ययन सोशियोलॉजी का कहलाता है। अगला आप पाता है उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग बताना हिस्टोलॉजी। उतक का अध्ययन आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला आप लोगों से पूछा जाता है कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछली का अध्ययन तो आप लोगों को बताना इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन आपका इक्थियोलॉजी कहलाता है। अगला आप लोगों से पूछा जाता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोगों को बताना माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। अगला आप लोगों से पूछा जाता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोगों को बताना फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन का फाइकोलॉजी कराता है। अगला आप लोगों से पूछा जाता है कि जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कराता है? जीव जंतु, जीव जीव जंतु का अध्ययन किस चीज में करते हैं? तो आप लोगों को बताना जूलॉजी। जीव जंतु का अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला आप लोगों से पूछा जाता है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कराता है? मिट्टी का अध्ययन आप लोगों को बताना पोमोलॉजी, पोडोलॉजी। पैटोलॉजी आपका मिट्टी का अध्ययन कराता है। अगला आप लोगों से पूछा जाता है कि गुर्दों का अध्ययन, गुर्दा या किडनी, गुर्दों का अध्ययन क्या कराता है? गुर्दों का अध्ययन आपका क्या कराता है? तो आप लोगों को बताना नेफ्रोलॉजी। गुर्दों का अध्ययन आपका नेफ्रोलॉजी कराता है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि हृदय का अध्ययन क्या कराता है, उभयचर का अध्ययन क्या कराता है, जीवाश्म का अध्ययन क्या कराता है, तो इनके बारे में देखते हैं कि सोशियोलॉजी, समाज का अध्ययन हिस्टोलॉजी, उतक का अध्ययन इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन जूलॉजी, जीव जंतुओं का अध्ययन पैथोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, गुर्दों का अध्ययन। तब आगे बात करते हैं अगला आप लोगों से पूछा जाता है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? तो आपको बताना कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो हृदय का अध्ययन या हार्ट का अध्ययन आपका कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगला आप लोगों से पूछा जाता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन तो आप लोगों को बताना ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। आप लोगों का पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला आप लोगों से पूछा जाता है कि घोंसलों का अध्ययन क्या कहलाता है?
घोंसलों का अध्ययन, घोंसलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो आपको बताना नीडोलॉजी, नीडोलॉजी घोंसलों का अध्ययन आपका नीडोलॉजी कहलाता है। अगला आप लोगों से पूछा जाता है कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, विषाणु का अध्ययन, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप लोगों को बताना वायरसोलॉजी, वायरसोलॉजी तो विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है वायरसोलॉजी। अगला आपका आता है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है तो आपको बताना सिस्मोलॉजी, क्या कहलाता है आपका सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। अगला आप लोगों से पूछा जाता है कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, चंद्रमा का अध्ययन तो आप लोगों को बताना सेनोलोग्राफी या सेनोलॉजी, सेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन का सेनोलॉजी कहलाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप लोगों को बताना है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी आपका सूर्य का अध्ययन कॉस्मोलॉजी होगा। अगला आपका आता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन आपका कहलाता है हिमाटोलॉजी, हिमाटोलॉजी, हिमाटोलॉजी तो रक्त का अध्ययन आपका क्या कहलाता है हिमाटोलॉजी। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन के भविष्य का अध्ययन क्या कहलाता है एस्ट्रोलॉजी, भविष्य का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी तो भविष्य का अध्ययन क्या कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। तो आपके कुछ अध्ययन के बारे में चर्चा की तो हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।